to the men especially, that treat your wife as an equal. I think you're the one man who can make me happy every day of my life, and you're the one man who can keep me grounded. We've managed so far, 13 saal ho gaye, we've managed so far. Let's see about kitna kheech paate hain is shaadi ko. प्यार के दो नाम, एक राधा एक शाम, कुछ ऐसी ही थी बरखा और इंद्रनील के प्यार की दास्तां। पर वक्त ने सब बदल दिया और हो गया इनके लव का दी एंड। चलिए जानते हैं इनके प्यार की अधूरी कहानी। इंद्रनील और बरखा की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों 2006 में प्यार के दो नाम, एक राधा एक शाम के सेट पर मिले थे। यही उनके बीच प्यार हुआ और वो 2 साल बाद शादी के बंधन में बंध गए। उनकी एक बेटी मायरा है जो 11 साल की है। इनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। सोशल मीडिया पर रोमांटिक पिक्चर्स पोस्ट करना, बेटी मायरा के साथ एक खुशहाल जीवन गुजारना और फैंस को हैप्पी फैमिली की पिक्चर से इंस्पायर करना। हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बरखा ने अपनी लव स्टोरी बड़े ही क्यूट अंदाज में बयां की थी। वेल, प्रपोज तो नहीं, बट आई थिंक या द रीजन आई राइट नाउ इफ आई वाज नॉट मैरिड एंड इफ आई वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम, आई थिंक नो, आई वुड से ऑफ कोर्स इंद्रनील दैट आई लव यू, बट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू बिकॉज़ आई थिंक यू आर द वन मैन who can make me happy every day of my life, and you're the one man who can keep me grounded, and you're the one man who I can think of growing old with. So to be able to find a partner, you know, who understands that and who has the patience to accept ki haan aisa hota hai, you know, it's quite a challenge, because you know he's an actor too and he faces his own challenges on the shoot. So you know, for both of us to come home and kind of, you know, we have only each other to vent it out at, so to be able to accept that and you know understand that, it's very challenging, but we've managed so far, 13 saal ho gaye, we've managed so far. Let's see about kitna kheech paate hain is shaadi ko. वहीं इंद्रनील ने बरखा को लेकर कहा, टिप्स ये है कि मैं भी जानना चाहती हूँ, नहीं चुप हो जाओ, स्टे, कीप क्वाइट, बिकॉज़ यू नो आई आर्ग्यूड अ लॉट इन द बिगिनिंग, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर दिस आउट दैट यू कांट आर्ग्यू विद अ वुमन, यू जस्ट कांट, इवन इफ इवन या यू कांट, सो गिव अप, द सूनर यू गिव अप एंड से सॉरी एंड ट्राई टू मेक अप, इट्स बेटर फॉर यू. So yeah, no, it's true, shouldn't fight, shouldn't have an argument, let her have a say, she'll be happy. पर इनके रिश्ते को अब नजर लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। इनके रिश्ते में खटास आ गई। मीडिया में तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि बरखा ही एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं इंद्रनील को लेकर भी ऐसी ही कुछ चर्चा है, पर अब 2 साल अलग रहने के बाद दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। अपने डिवोर्स को लेकर बरखा ने एक इंटरव्यू में कहा, हाँ जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, ये मेरी जिंदगी के सबसे कठिन फैसलों में से एक रहा है। बरखा ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने पर कहा, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मायरा मेरी प्रायोरिटी है, मैं ओटीटी में अच्छा काम कर रही हूँ, मैं टीवी और फिल्मों में अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा तैयार हूँ। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। एक ऐसा वक्त था जब इंद्रनील और बरखा अपने फैंस को लव टिप्स दे रहे थे। खैर अब इनके बीच क्या हुआ ये तो वही जाने, पर ऐसे इंस्पायरिंग कपल जब अलग होने का फैसला लेते हैं तब उनके फैंस शॉक हो जाते हैं। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।